हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ रात के डिनर में। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब खुश होगे, मस्त होगे और स्वस्थ होगे। तो एंड तक देखिएगा ब्लॉग को, बहुत अच्छा लगने वाला है। और अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप न्यू हो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को बेल आइकन के साथ, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं ब्लॉग को। तो आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ सूजी का ढोकला और इमली की चटनी। तो इमली को मैंने पहले ही भिगो के रख दिया था, तो इसको मैंने पल इसका निकाल लिया है छान के। इमली मैंने अलग कर दी है और यहाँ पे मैंने सूजी भिगो के रख ली। तो सूजी मैंने दोपहर को ही भिगो के रखी थी, जिसमें मैंने चना दाल, हल्दी, नमक और थोड़ी चीनी और एक चम्मच तेल डाल कर इसको भिगो के रख दिया। तो अभी देखिए कितना अच्छे से फूल गया है और चने की दाल भी एकदम अच्छे से भीग चुकी है। तो इमली का पल्प मैंने निकाल लिया था छानकर, और घी जो मक्खन निकाला था उसको भी पिघला लिया है और यहाँ पर पिघल गया है, देखिए ठंडा भी हो चुका है। और इसका डब्बा जो है मैंने धो लिया, क्लीन कर लिया है अच्छे से। तो अब इसमें छान के डाल लूँगी घी को। और बहुत कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही है, इसीलिए मैंने ना वॉइस म्यूट करके फिर से वॉइस ओवर दिया है। तो इमली का जो पानी है पहले गैस पर रख देती हूँ। तो इमली की चटनी में मैंने मसाला डाल दिया, अब इसको उबलने देंगे। तब तक ये घी जो पिघला हुआ है इसको मैं डब्बे में छान लेती हूँ, और इमली का खट्टी मिट्टी वाली चटनी बनाऊंगी तो उबलती रहेगी। इधर और भी काम कर लेते हैं। पतला ही रखूँगी इस बार, थोड़ा और पानी इसका कम हो जाए, गाढ़ा हो जाए, तो फिर इसमें चीनी या गुड़ भी मिला सकते हैं। तो मैं थोड़ी चीनी और थोड़ा गुड़ दोनों ही डालूँगी, थोड़ा और गाढ़ा होने देती हूँ। तो इसका जो ये होता है ना, इसको मैं पानी से उबाल लेती हूँ, इसको निकाल के रख देती हूँ। इसमें भी घी रहता है, तो देखिए आप लोग, मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है वीडियो में, आज फिर से शेयर करती हूँ। और इसमें मैंने पानी डाल दिया, अब इसको गैस में रख लूंगी, थोड़ा उबाल लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने डाल दिया है पानी, अब ये उबलने लग गया। तो आप लोग सोचेंगे ये इसमें क्यों डालूं, तो इसमें भी जो लगा हुआ था ना घी वो भी इसमें पानी में आ जाएगा। और इसको उबाल के थोड़ा पानी जब आधा हो जाए तब इसको छान के अलग कर लेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने से, ज़्यादा ठंडा नहीं, जैसे मतलब गर्म गर्म रहेगा, तो इसको छान के अलग कर लेंगे। और जो ये जो होता है ये फेंक देंगे, ये फिर किसी काम का नहीं रहेगा। इसमें जो भी घी है पानी उबालने के कारण सब आ जाएगा पानी में। इसको उबलने देते हैं, और इधर चटनी भी हो रही है इमली की। तो ये देखिए, इसको थोड़ा और अभी मैं गाढ़ा करूँगी। तो ये काफ़ी भरा हुआ है, इसको अलग बर्तन में थोड़ा निकाल के फिर इसमें सोडा मिलाऊंगी, क्योंकि इसमें सोडा डालने से बहुत ज़्यादा फिर फूल जाएगा। कटोरी में मैंने ना पानी गरम कर लिया, हल्का सा गरम कर लिया, इसमें सोडा मिलाकर फिर इसमें मिलाऊंगी, तो अच्छे से मिल जाता है। थोड़ा थोड़ा डालते हुए मिला लूँगी जितना ज़रूरत होगा, बाकी और दूसरा बैटर उसमें मिला लूँगी। तो यहाँ पर मैं तेल लगा लूँगी, अच्छे से पोंछ के साफ़ कर लिया पहले मैंने, अब इसमें सब मैं तेल लगा कर बैटर को जो है डाल लूँगी। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ ढोकला इडली के सांचे में।
इसको फिर चार टुकड़ा काट कर फिर तड़का लगाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस पानी भी एक तरफ रख दी थी गर्म होने के लिए, पानी गर्म हो गया तो अब इसमें रख दूंगी बॉईल होने के लिए। तो यहाँ पर आ गया है केसर, बस आप लोग को हाई कर रहा है। तो ढक कर 5 से 10 मिनट के लिए पका लूँगी मैं ढोकले को। और इधर चटनी भी लगभग हो गई है तो अब इसमें मैं चीनी और गुड़ मिलाऊँगी। चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाली, जितना मीठा आपको चाहिए। तो ये खट्टी मीठी वाली इमली की चटनी बन रही है तो मैंने यहाँ पे चीनी डाल लिया है और थोड़ा गुड़ भी डालूँगी। तो केसर की तो बाबू की बात ही ख़त्म नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं गुड़ भी काट के डाल ले रही हूँ। डली वाला गुड़ होता है। तो फ्रेंड्स चटनी भी रेडी है, मैंने गुड़ थोड़ा डाला, थोड़ी चीनी डाली है और थोड़ा सा और उबाल लूँगी। उसके बाद गैस बंद कर दूंगी और यहाँ पे मैंने ढोकला जो है इडली का सांचे में बनाती हूँ। आगे कैसे करती हूँ आप लोग बने रहिए, आप लोग देखिए आगे कैसे बनाती हूँ मैं ढोकला। और गर्मी तो इतनी है बस पूछो मत, मेरे साथ तो उल्टा है, सबको साड़ी पहनने में गर्मी लगती है और मुझे सूट पहनने में गर्मी लगती है। तो इसीलिए मैं आजकल जो है ना साड़ी पहनती हूँ, आप लोग देखते होंगे ब्लॉग में, मैं सूट नहीं पहनती क्योंकि मुझे सूट में ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि जो पीठ वगैरह में मेरे ज़्यादा ही पसीना आता है ना, तो सूट में जो पूरा भीग जाता है सूट तो मुझे एकदम भी मतलब सहन नहीं होता वो। इसीलिए मैं ना साड़ी पहनती हूँ ताकि पीठ खुली खुली रहे, हवा लगती रहे। सबके साथ उल्टा है, मेरे साथ उल्टा है, सबको साड़ी में गर्मी लगती है, मुझे सूट में गर्मी लगती है, पता नहीं। और तो चलिए फिर आगे बने रहिए, आगे दिखाती हूँ ढोकला का आगे का रेसिपी, आप लोग बने रहिए। वही लिया है मैंने, तो बस घी को जो है छान लूँगी, ठंडा हो गया था तो छान के इसको रख दूँगी कटोरी को फ्रिज में। बाहर रखने से तो खट्टा हो जाएगा तो फ्रिज में रख दूँगी थोड़ा ठंडा हो जाने से। कितना घी रहता है इसमें, तो इसको ना हम तड़के में डाल लो या फिर चावल बनाते टाइम डाल लो, कोई भी चीज़ में डालकर आटा भी लगा सकते हैं तो यूज़ कर सकते हैं उसको। तो मैं तो तड़का में ही डालती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है तड़का का। और ये देखिए यहाँ पे मेरी इमली की चटनी भी तैयार हो गई है और इधर ढोकला भी हो गया है। तो मैं चक्कू से चेक कर लेती हूँ कि ये हो गया है या नहीं। तो देखिए बिल्कुल भी इसमें लग नहीं रहा, इसका मतलब ये एकदम पूरा तैयार है, पक चुका है। तो बस अब गैस को कर दूँगी ऑफ। और यहाँ पर तो फ्रेंड्स ये अब हो गए ठंडे, तो इनको निकाल लेती हूँ। देखिए दाल भी दिख रही है और ये एकदम ठंडे हो चुके हैं, तो अब इनको निकाल के फिर इनका तड़का लगाऊंगी। तो आप लोग बने रहिए और देखती रहिए। ऐसे मैंने टुकड़ों में कट कर लिया है, अब इनका लगाएंगे तड़का। तो कढ़ाई में तेल हो गया गरम, इसमें सरसों के दाने डाल दी हूँ, हरी मिर्च काट कर और कड़ी पत्ते डालकर और जो है ढोकले का तड़का लगा लेंगे। तो ढोकला डाल दूंगी, तो इसमें मसाला और कुछ भी नहीं डालना है, और आप चाहो तो लाल मिर्च पाउडर या कुछ भी मसाला डाल सकते हो, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो मैं यहाँ कुछ भी मसाला नहीं डालूंगी, बस इसको अच्छे से लाल लाल क्रिस्पी क्रिस्पी होने तक अच्छे से धीमी आंच में पका लेना, मतलब फ्राई करना है अच्छे से। जितना अच्छा से फ्राई होगा ना धीमी आंच पर क्रिस्पी क्रिस्पी लाल लाल, तो उतने ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर हो गया था, तो मैं परोस ले रही हूँ थाली में। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा आज का ब्लॉग और आज की रेसिपी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। अगर आप न्यू हो चैनल पर, अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे चैनल को, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। और आप लोग भी एंजॉय कीजिए ढोकला और इमली की चटनी। वैसे तो आप सॉस के संग भी खा सकते हैं, चाय के संग भी खा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे आज इमली की चटनी के साथ बनाया है। बाय बाय।